हेलो। 1974 में एक फिल्म आई थी गुप्त ज्ञान, तकरीबन आज से 50 साल पहले, और इसके 50 साल बाद अभी आई है ओ माई गॉड 2, OMG 2। इसके 11 साल पहले करीब 2012 में OMG 1 आई थी, ओ माई गॉड 1। 1974 से ये 2023 तक का जो सफ़र तय हुआ है गुप्त ज्ञान और OMG 2 के बीच में, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 1974 में मैं भी बिल्कुल एडोलिसेंट टाइप की एज में था। आई वॉज गेटिंग इन टू एडल्ट फेज और ऑलमोस्ट इन द एडल्ट, लेकिन उस ज़माने में हमको सेक्स का कोई ज्ञान नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, इसमें भरत कपूर हीरो थे, अगर आपको उनकी शक्ल याद हो तो, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हमारे दोस्त और हम सब की, अरे आखिर क्या है इसमें, क्या है, कुछ पता तो होता नहीं था। पोस्टर वगैरह भी ऐसा कुछ खास जो है वो कोई बताया नहीं जाते थे, कोई भी नॉलेज नहीं थी। बस ये था कि कौन देख के आया, इट वाज एन एडल्ट मूवी, उस समय उसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था, और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि जाके देखें आखिर क्या है। बस इतना सुनने में आता था कि हाँ भाई सेक्स की कुछ जानकारी दी गई है। शॉर्ट में उसकी स्टोरी बनाता हूँ, फिर उसको मैं कनेक्ट करता हूँ OMG 2 से। गुप्त ज्ञान में जो हीरो हुआ करते थे वो एक टीचर थे, और उनकी एक स्टूडेंट थी जिसको कि किसी सेक्सुअल डिजीज से, VD से कोई बीमारी हुई, और वो इतनी बढ़ गई कि उसकी डेथ हो गई। ये बहुत डिस्टर्ब हो गए जो इस फिल्म के हीरो थे, उनका नाम दिनेश था, और इन्होंने तब ये सोच लिया कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा और मैं इस बारे में जानकारी दूंगा लोगों को, जिसमें कि इस तरीके की बीमारियों से जो कि सेक्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलती हैं, उसकी मैं जानकारी लोगों को दूंगा। बहुत अच्छा मोटिव था फिल्म का, और उस ज़माने में ऐसा कुछ ज़्यादा फिल्म में दिखाया नहीं जा सकता था। वो डॉक्टर बन गए, उन्होंने टीचिंग कुछ सेक्स क्लासेस लोगों को बताए कि कैसे होता है, क्या होता है, मतलब ये सब कुछ सारा फिल्म में था। और जो फिल्म का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था फिल्म का, जब फिल्म ख़त्म होती है तो इनकी शादी होती है हीरो की और इनकी वाइफ को, बच्चा होने वाला होता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और उसको इन्होंने, उसकी डिलीवरी होती है, तो जो कि डिलीवरी का प्रोसेस है वो फिल्म में दिखाया गया था। तो दैट वाज ए वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम कि भाई बच्चा पैदा होते हुए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद से आज तक 50 सालों में हम कोई भी सेक्स एजुकेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, कोई भी प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज नहीं है, जिस मुद्दे को OMG 2 में उठाया गया है। OMG 2 को रिलीज़ हुए क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसके बहुत से रिव्यूज़ आ चुके हैं, तो मैं उसका कोई रिव्यू नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक मूवी टू बी सीन बाई ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट। तो लेकिन अभी और जो आखिर में फिल्म में OMG 2 में है, मैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत बात हो चुकी है, वो ये है कि कोर्ट सीन होता है और उसमें जो पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज, अब आप ही आके राह दिखाओ। और तो कोर्ट का ये आदेश होता है कि हमारे जो स्कूलिंग के सिस्टम्स हैं, स्कूल्स हैं या एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनको स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। मुझे बहुत अपील की फिल्म, और मैंने कहा कि इसको खाली एक फिल्म की तरह से देख के ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं इसके, इस फिल्म के, जो विपुल शाह जी हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अमित राय हैं, अब अगला तो पता नहीं OMG 3 कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी एक्चुअल में OMG 2 का सीक्वल बनाया जाए, और उस सीक्वल में दिखाया जाए कि कैसे सेक्स एजुकेशन इंडियन स्कूल्स में, कॉलेजेस में करी जा सकती है, उसको सिलेबस में कैसे लाया जा सकता है। तो मैं OMG 3 की स्टोरी भी बताना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है, जो इन लोगों को बनानी चाहिए, और हो सकता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को कोई
पसंद आ जाए किसी को और वो इसके ऊपर सीक्वल बना ही दें। कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो स्टोरी इसके आगे बढ़े उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए कि स्कूल सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, किसी किसी स्कूलों में स्टार्ट होती है, उसका विरोध होता है, कई जगह पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं, कई जगह नहीं लाइक करते हैं, कई जगह पेरेंट्स कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं ये सब गलत है, बहुत अगली है, ऑब्सीन है। तो ये इन मुद्दों को लेकर के फिल्म बनाई जा सकती है। इसके बाद ये होता है कि जो मारपीट के नौबत आ सकती है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि कुछ ठीक से दिखाया जा रहा है कि फिल्म जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से एजुकेशन दी जाए, जो फीमेल हैं उनको अलग से दी जाए, और इस तरीके से क्लासरूम्स में कैसे जो एक्चुअल जो सेक्स एजुकेशन दी जानी है उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रोड्यूस किया जाए इस फिल्म में, तब तो इस फिल्म को बनाने का फ़ायदा है, वरना ये फिल्म आई गई चली हो गई, हम फिर वहीं के वहीं रह गए। तो ये चीज़ें हैं कि और टीचर्स कैसे फील करते हैं, वो कितना शाई फील करते हैं, मेल टीचर्स कैसे हैं, फीमेल टीचर्स हैं, तो ये पूरी एक स्टोरी और ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर लिखी जा सकती है OMG 3 के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म जल्दी बनाई जाए ताकि इसका जो टेम्पो बना हुआ है, जो वाकई में एक सोशल मैसेज है फिल्म में, वो ख़त्म ना हो जाए। थैंक यू।